फैमिली गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष की तान्या। सुबह के बज रहे हैं 9 और मीका हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसका सिर्फ छुट्टियां बनाना और प्रेम और काजल है ना। तो आज का सुबह हो गया, देखते हैं आज क्या होता है नहीं होता है। अभी तो काम घर में इतना ये हो रहा है ना कि मन भी नहीं लगता है। किचन जाते हैं, मतलब जो रूम में किचन का सामान रखते हैं वो रूम भी पूरा व्यस्त व्यस्त सा लगता है, एकदम बिल्कुल अजीब सा फील होता है। इसको फटाफट नहा दिए, आज हो सकता है तो ऊपर वाला रूम इधर वाला लैट्रिन के लिए दीवार उवाल जो भी होगा तो ऊपर भी कचरा तो होगा ही। तो जल्दी जल्दी ऊपर का काम जो भी है कम्प्लीट कर लेते हैं। अभी तक तो सिर्फ नीचे था ना तो उतना नहीं, मतलब ऊपर ठीक ठाक था, आज से ऊपर भी शुरू हो जाएगा काम। देखते हैं, अभी मैंने इसको जाना है अभी बेगूसराय, वो जाएगा कुछ सामान है वो लाएगा वहाँ से। मीका को भी दे देते हैं साक्षी के पास, मीका उधर रहेगा, फिर हम फटाफट अभी उनको रोटी भी बनाना है, रोटी बना के उसके बाद नहाएंगे क्योंकि इतना गर्मी है ना, नहाने के बाद मतलब इतना गर्मी लगता है नीचे। और ये बाल नहीं झाड़ने देता अच्छे से, बिल्कुल बाल झाड़ने नहीं देता ये लड़का, इतना ड्रामा करता है ये। मेरी गुड़िया खुशी खुशी की है ये पुड़िया, मैं इसको कपड़े पहनाती। इसका पीछे बाल है ही नहीं, आगे ही बाल है इसका, इतना बड़ा बड़ा, पहले बीच में था आगे भी नहीं था। ए लड़का मीका, इसका चुटिया रेडी हो गया है ना बेटू? इसका भी खाना लाए, पानी बेड पे ही गिरा दिया। ये बहुत बदमाश हो गया, बहुत ज्यादा ये बदमाश बच्चा हो गया है ना। हो गया, उसको लगाओ, अब तुम जाओ साक्षी के पास। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, पहले इसको छोड़ते हैं और नीचे जाते हैं रोटी बनाने क्योंकि 9:15 हो चुका है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? दोपहर के बज रहे हैं 3 और छत का नज़ारा ये देखिए, पूरा बारिश है। अभी छत पे बस हम लोग घूमने के लिए आए हैं, बोले देखते हैं, मौसम बहुत बढ़िया था, 11 बजे से ही बारिश हो रही थी तो सोचे चलो छत पे थोड़ा जाते हैं। तो अभी तो यहाँ बैठे हैं, बउवा आ रहा है, साक्षी लेके आ रही है। तो आज बहुत टाइम तक सोए ही रहे, 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक सोए। तो अभी जगह है, फिर नीचे से देख रहे थे किचन का कहाँ क्या है नहीं है। तो अभी लगेगा 10 दिन तो लग ही जाएगा, थक गए। तो अभी छत पे आए हैं, ये सब भी देख पाए थे, सारा खुल गया। फिर पानी का भी कलेक्शन हो गया, इधर का जो भी था सारा हट गया। और सुबह से भी आएगा तो मौसम बहुत बढ़िया है, शॉर्ट वीडियो बनाने का तो मन है लेकिन थका थका सा लग रहा है मन। तो देखते हैं, अभी अभी मीका गया उधर फ़ोन किए, वो आ रही है लेके, तो उसको वापस में देंगे, थोड़ा सा घूमेगा इधर। परेशान बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है वो, मौसम बहुत अच्छा कर दिया लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया मुझे, गला बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रिक बाथरूम होगा, ये भी 2-3 दिन में टूट के हट जाएगा क्योंकि इसका यूज है नहीं उतना, सिर्फ स्पेस जो है बहुत लिए है और वो भी अच्छे से धूप उस पर आ नहीं पाता है। 2 बजे के बाद धूप बिल्कुल नहीं आता क्योंकि इसकी वजह से वो पूरा मतलब ढक जाता है। तो ये हट जाएगा तो छत भी थोड़ा बड़ा लगेगा देखने में, और ये जो है रड ये भी मतलब ढक जाएगा लेकिन अभी नहीं ढकेगा, कुछ दिन के बाद ढकेगा। तो अभी देखते हैं अभी क्या क्या होता है, जितना हो सकेगा अभी होगा, फिर वही पानी उने का जो भी है, बिजली का जो भी कनेक्शन पहले से कनेक्शन उसको हटा के और अंदर अंदर किया जा रहा है। तो फिर देखते हैं अभी कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो
बस 25 से पहले हो जाए, क्योंकि नवरात्रा जब शुरू हो जाएगा तो मैं फास्टिंग में रहूँगी, काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बार तो बाबू भी है, पहले तो अकेले मतलब ये था पूजा वूजा करके सो जाते थे, पूजा करते भी 2-3 घंटा लग ही जाता है, तो इस बार देखते हैं, करना तो है ही, 10 दिन में किचन कंप्लीट हो जाएगा तो बोलेंगे स्टॉप कर देने काम को, तो फिर जो भी होगा पेंट वगैरह जो हो तो दुर्गा पूजा के बाद ही बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि दीपावली से पहले और दुर्गा पूजा के बाद शुरू करें, और दीपावली से पहले कि घर भी झाड़ना ना पड़े मुझे, तो सोच तो वही रहे हैं, बाकी देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, पहले छत पे घूमते हैं हम, ठीक है, बाहर मिलते हैं कुछ देर के बाद। का आओ बढ़ो आगे। डर भी इसको लगता है क्या? मीका मजा आ रहा है का? चादर है बेटा, बेडशीट रखा हुआ है। ठीक का आ देखो ना कौन आया, कौन आया? का का को हंस दो बेटू, ढोलक बजा बजा ढोलक। ए लड्डू, अरे 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 खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर देखो, मम्मा इसका पैर वाला खुला है ना, मिला था बेड पे सुबह। दादी गई देखो, बोलो दादी आ जाओ, जाओ दादी के पास जाओ, जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठ के जाओ, जा कहाँ रहा तुम? चलो दादू ने किया आ गए। चलो अब गिरेगा वो। पूरा घर फैल गया एकदम, 5-10 दिन लगेगा अभी। से ज्यादा नहीं लगेगा, किचन हो जाएगा तो इधर उतना नहीं रह गया ना। हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? रात के बज रहे हैं 9:30 और इसका ड्रामा हो गया शुरू। ये सोने का नाम ले नहीं रहा, इसको सुलाते हैं तो ये हंसता है। फोन ले नहीं, गंदी बात, इधर आओ बेटा, नहीं इसे करते ना, बाय कर दो, सबको बाय कर दो, बाय 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 करो, बाय करो, सबको बाय करो, बाय बाय, गुस्सा से नहीं प्यार से बोलो, बाय, गुड नाइट, इधर आओ मीका, इधर आओ जल्दी, इधर आ जाओ, मामा बुला रही है ना, सब प्यार का 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 बोला, का बोला मीका, मीका का बोला? ए गिरे को, सबको बोल दो बाय बाय।
तो अभी हम लोग बस खाना खा के आ गए, थोड़ा सवेरे ही खा लिए क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे। थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी था और इधर उधर सामान भी करना पड़ रहा है, तो टाइम भी नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का ना शॉर्ट वीडियो, जितना हो पाता है उतना बना लेते हैं। लेकिन अब कुछ दिन का दिक्कत है, फिर किचन बन जाएगा तो वहाँ स्टैंड लगा देंगे तो किचन में भी वीडियो जाके बना सकते हैं, अब कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। तो अभी चलते हैं, इसको सुलाने का कोशिश कर रहे हैं, सो जाएगा तो अच्छा है। पीट देंगे तुमको हैं, किसी ले लो। नहीं बेटा फोन नहीं लेते हैं, मेरे फोन के पीछे ये पड़ा है लड़का, है ना। तो चलते हैं अभी इसको सुलाने के लिए, मिलते हैं आपसे कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ। ब्लॉग बहुत छोटा है, बस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा और मिका का ड्रामा भी दिखेगा इस ब्लॉग में। ये ड्रामे बाज लड़का है, दिन पे दिन इतना शरारत कर। गुड नाइट सोना, गुड नाइट मेरा बच्चा, गुड नाइट मेरा कान्हा, बेटा गिरेगा उधर। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।